छत्तीसगढ़ के जांजगीर स्थित मंडवा पावर प्लांट में हुए उपद्रव के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए रायगढ़ और बिलासपुर से भी पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 400 उपद्रवियों पर अलग अलग FIR दर्ज की है। इसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। कल के हंगामे के बाद अब प्रशासन किसी नरमी के मूड में नहीं है। जिले के मांडवा तेंदु भांडा में अटल बिहारी ताप विद्युत गृह में रविवार शाम हुई तोड़फोड़ और पुलिस कर्मियों पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 29 दिनों में नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे भू विस्थापितों ने रविवार की शाम को हंगामा शुरू कर दिया था। उन्होंने कार और 4-5 बाइक में आग लगा दी और प्लांट में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया। हमले में 20 से 25 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वहाँ के कुछ संविदा कर्मचारी हैं जो लोग लगातार इस बात को लेकर के कि उनको नियमित किया जाए, लंबे समय से गैर कानूनी हड़ताल स्ट्राइक प्रदर्शन कर रहे थे। वर्तमान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, कोरोना विस्तारित हो रहा है। हमने उनको आगाह किया था कि इस तरह का प्रदर्शन ठीक नहीं है, आप अपनी बातों को सक्षम लोगों के समक्ष रख सकते हैं। और चेयरमैन CACB ने उनको वार्ता के लिए 4 तारीख को बुलाया भी था। इन्होंने आग्रह किया कि 4 के पहले उनको किया जाए, तो 3 को फिर उन्होंने सहमति दी। 3 के बाद में भी ये जिद पे अड़े थे कि इन्होंने नई शर्त डाल दी कि आज ही VC से उनकी चर्चा होनी चाहिए। हमने उनको जिला कलेक्ट्रेट में भी निमंत्रित किया कि आइए बात कर लेते हैं। वो बात सुनने समझने तैयार नहीं थे। फैक्ट्री के अंदर पे काफ़ी लोग लंबे 24 घंटे से ऊपर से काम कर रहे थे या फंसे हुए थे, जिनको निकालना भी जरूरी था। हमने इनको कहा कि आप अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन, कोरोना गाइडलाइन और बाकी को मानते हुए किनारे पे आप कर लो और अपनी बातें सक्षम स्तर पे आप ले जाइए, आपको वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। ये कुछ गैर कानूनी बातें कह रहे थे, इनका जो बातें मानने योग्य नहीं थी। और हमने इनको बारम्बार आग्रह किया कि लोगों को और फैक्ट्री के अंदर आने जाने वाले लोगों को आप रास्ता दें। ये मानने तैयार नहीं थे, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे। हमने भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपनाए। इन लोगों ने अचानक पत्थरबाजी चालू कर दी और जिससे वहाँ पे स्थिति थोड़ी ख़राब हुई थी और पुलिस ने तुरंत ही इस पर नियंत्रण पा लिया। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार की जाती रहेगी। सबसे आग्रह है कि कोरोना चल रहा है, बाकी चीज़ें हैं, कानून को अपने हाथ में ना रखें, ना लेने की कोशिश करें। सक्षम स्तर पर अपनी बातों को रखने के लिए उचित और आसान तरीके हैं, उन तरीकों को अख्तियार करना चाहिए। किसी भी दशा में अशांति फैले ऐसे कदम किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में वहाँ पे स्थिति नियंत्रण पे है और शांतिपूर्वक। पुलिसकर्मी भी कुछ जख्मी हुए हैं? जी हाँ, कुछ लोगों को पत्थरबाजी के कारण पे चोट आई है और शासकीय संपत्ति को भी उपद्रवियों के द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है। तो गिरफ्तारियां भी पुलिस अधीक्षक बता पाएंगे। जी जी सर, आप लोगों को भी लगभग स्थिति कंट्रोल में नहीं थी, बंधक की स्थिति बन गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कमरे के अंदर हम जरूर थे, वहाँ से स्थिति पे निगाह रखे हुए थे। बता दें कि प्लांट के लिए 2008 में जमीन अधिकरण का काम शुरू हुआ। उस दौरान मंडवा तंदुभांडा के लोगों से वादा किया गया था कि उन्हें यहाँ नौकरी दी जाएगी, जिसके बाद बहुत से लोगों को काम पर भी रखा गया। यहाँ करीब 400 लोगों को संविदा के तहत नौकरी दी गई। हालांकि यहाँ पर कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि उनकी जमीन तो ले ली गई लेकिन नौकरियाँ नहीं दी गई, जिसके चलते नौकरी देने और स्थायी करने की मांग को लेकर ग्रामीण 6 दिसंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए जांजगीर चांपा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।